हेलो एवरीवन, जय यीशु सु सहाय। तो आज हम लोग आए हैं खूंटी और देख सकते हैं कई नौजवान आज रूढ़िकरण संस्कार ग्रहण करने जा रहे हैं। इसमें आज हमारी बहन प्रेरणा निधि शिवानी शॉय, जो मेरी एक अच्छी फ्रेंड की बहन है, वो भी रूढ़िकरण संस्कार ग्रहण करने जा रही है। और सच बताए तो हम लोग इस दिन का लगभग 5 सालों से इंतज़ार किए थे और आखिरकार वो पल आ चुका है। तो चलिए आज जो कुछ भी प्रोग्राम होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एकदम तो ये है जीएल चर्च खोटी कदमा। क्या नाम है आप लोग का? क्या नाम है? एंजेल। आपका? क्या क्या? जेसिका। अच्छा, मेरा नाम एरोन। अच्छा ठीक है, बाय बाय। और ये रही हमारी बहन प्रेरणा निधि शिवानी सोय। तो आज इन्होंने रूढ़िकरण संस्कार ग्रहण कर लिया है। पार्टी के लिए खुटी आए हुए थे तो यहाँ पे कुछ बहनें मुझसे मिलने आई है। आओ, नाम बता दो अपना अपना। हाँ, इस बार आ जाएगा। फाइनली हम लोग आज मिल ही गए। हाँ, अच्छा नाम बता दो तुम लोग का। मेरा नाम श्रुति भिंडा है। श्रुति है। नेहा बागे। और उधर नितिन सांगा। नितिन सांगा उधर। और कहाँ? ये भाग गई। अच्छा, लेकिन जीजू को नहीं लेके लाए क्योंकि आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जी। वो घर में काम कर रहे हैं। हाँ, मिलेंगे कभी। ठीक है, जरूर मिलेंगे। चर्च में जो कुछ भी प्रोग्राम होना था वो हो चुका है और आज मेरे साथ बहुत सारे दोस्त लोग हैं। सुशीला है, एली है, मोटो है और इधर प्रेरणा निधि शिवानी सोई की सारी दोस्त लोग। श्वेता है। अमृता। तो ये हमारा पूरा ग्रुप है आज का। तो इतनी कैसा लग रहा है? अब पाप नहीं ना करेगी तुम? कोशिश करेंगे। और देखो, बड़ों का बात मानना, जैसे कि हम तुम्हारी बड़ी दीदी है ना, तो मेरा बात ही मानना। ठीक ठीक ना? ठीक है ठीक है। ओके,
थैंक यू ज्योति। ये देखिए आम पानी भलाई का काम कर रही है, देख लो गर्मी का दिन में। प्रोग्राम के बाद हम लोग फाइनली घर पहुंच गए हैं और अभी जाके मेरे पति देव को मैंने देखा कि ये थोड़ा अच्छे से साफ सुथरा होके फ्रेश रेडी हो गया है। और घर आने के बाद देख सकते हैं हमारा छोटू भाई, उसको काम दिया गया है कि जितने भी मेहमान आएंगे सबको जूस पानी वानी बांटना है। तो ये कितना अच्छा काम कर रहा है ना बाबू। अच्छा काम कर रहा है। हाँ बाबू काम इसलिए कर रहे हैं ना कि दीदी का जितना पैसा मिलेगा ना उसका आधा हिस्सा इसको भी मिलेगा, सोच के काम कर रहे हैं। हाँ। तो देखो बाबू तुमको ब्लॉग में आना था ना। हाँ। कैसे लग रहा है तुम ब्लॉग में आने वाला है अब? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ठीक है ए, मेरे को दो तो। ऐसे हमारी बहन आ चुकी है घर और हम इनका वेलकम करेंगे अभी। तो काफी धूप धूप आई है, थोड़ा सा इंतजार करो बहन, थोड़ा सा और थोड़ा सा। लोटा में पानी लेके पूरा मौसी खड़ी है उनका पैर धोने के लिए। और बाबू आम पत्ता लेके आए हैं ना बाबू, ऐसे नहीं फेंकते हैं। चलो खुशी के आंसू बहा